तो देखिए, लोग भावुक हो रहे हैं क्योंकि एक लंबा इंतजार था जो अब खत्म होने जा रहा है, चंद ही दिनों में सिमटने के लिए जा रहा है। आज जिस तरीके से अनुष्ठान किए गए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। आज अरणि मंथन के जरिए अग्नि को उत्पन्न किया गया। यज्ञशाला में 121 ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज अग्नि को उत्पन्न किया गया। लकड़ी के यंत्र का घर्षण किया गया, इस घर्षण से आग उत्पन्न की गई। इस अग्नि का इस्तेमाल आज के पूजन और अनुष्ठान में किया जा रहा है। अरणि मंथन के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये सब कैसे हुआ उसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरणि मंथन से आग प्रज्वलित करने के बाद अनुष्ठान शुरू हो गया है। और ये जो अरणि मंथन है ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लकड़ियों के घर्षण के बाद ही अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। और उसके बाद ये जो अग्नि उत्पन्न हुई है, आज दिन भर जो पूजा अर्चना होनी है, जो अनुष्ठान होने हैं, उनका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अब देखिए, अग्नि के प्रकट होने के बाद या इस अनुष्ठान के होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पल के साक्षी बनने के लिए राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये मौका राम भक्तों के लिए कितना खास है। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए। और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। आप बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के ये 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना, सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित।
तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं। यजमान को जितनी भी प्रक्रिया से होकर गुजरना है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कठिन व्रत कर रहे हैं और इसी खुशी का इजहार पीएम करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो लंबा इंतजार था राम भक्तों का वो पूरा होने जा रहा है। 22 तारीख अब नजदीक आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। ताबड़तोड़ दौरे अयोध्या में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आखिरी वक्त की जो तैयारियां हैं वो कितनी पूरी हो चुकी हैं, इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं।